काठिया बाबा हिमालय क्षेत्र में घूम रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं थीं। उनमें से एक गुफा उनको थोड़ा सा बड़ा लगा, तो वो सोचे कि थोड़ा मैं अंदर जाके देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि हिमालय के गुफाओं में संतों का निवास होता है। तो जैसे वो गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक वृद्ध सन्यासी तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे उनकी नज़र उन पर पड़ती है तो वो वृद्ध सन्यासी को आभास हो जाता है कि शायद कोई गुफा में आया है। वो उठ जाते हैं, उनका शरीर बिल्कुल विशालकाय होता है, और जब वो उठते हैं तो वो बहुत मुश्किल से काठिया बाबा को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सन्यासी थे उनका जो भाव था पूरा एकदम लटक चुका होता है। तो वो बहुत मुश्किल से ऐसे आँख उठाते हैं और देखते हैं कि कौन मेरी तपस्या को भंग करने आया है। तो काठिया बाबा देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो थर थर काँपने लगते हैं। तो उसके बाद वो सन्यासी बोलते हैं कि कौन हो तुम? तो काठिया बाबा बोलते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ। तो बोलते हैं, अच्छा तुम मेरे सेवक हो, ठीक है, नीचे खाई देख रहे हो, कूद जाओ। तो काठिया बाबा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अब क्या करूँ, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर नहीं कूदा तो मैं ये कुछ ना कुछ श्राप मुझे दे देंगे या भस्म कर ही देंगे, क्योंकि वो उनको देखने से ही लग रहे थे कि बहुत उच्च कोटि के सन्यासी हैं, और अगर कूदा तो भी मारूंगा। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं कूद ही जाता हूँ। तो वो जैसे छलांग मारते हैं तो कुछ दूर तक तो उनको रोशनी दिखाई देता है, मतलब वो बहुत ऊपर रहते हैं पर्वत पे, नीचे छलांग मारते हैं तो कुछ देर तक उनको रोशनी दिखाई देता है, और उसके बाद पूरा अंधकार उनके सामने आ जाता है, उनकी आँखों के सामने। और फिर एक बैक ही वो पानी के अंदर गिरते हैं और बहुत अंदर तक चले जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करूं। उसके बाद कुछ देर के बाद क्या होता है कि ऐसा लगता है उनको कि एक हाथ आया और उनके माथा को पकड़ा, उसके बाद खींच के उनको ठीक वहीं पे ले जाके खड़ा कर देता है जहां से वो कूदे थे। और ये सब जो घटना है ना, बहुत कम समय में ही घट जाती है। तो उसके बाद काठिया बाबा भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो सन्यासी कहते हैं कि बेटा, हिमालय क्षेत्र में बहुत ऐसी गुफाएं हैं जिसमें बहुत उच्च कोटि के सन्यासी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई उनको परेशान करे। तो तुम्हें ऐसे किसी भी गुफा में नहीं जाना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो आगे से ध्यान रखना और तुम यहाँ से चले जाओ, कभी भी किसी सन्यासी को परेशान मत करना। तो उसके बाद काठिया बाबा वहाँ से चले जाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी जिक्र है कि हिमालय में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के युद्ध खंड में जलंधर का वर्णन आता है। जलंधर कौन थे कुछ लोगों को पता होगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बार गुरु बृहस्पति भगवान और इंद्रदेव भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं, तो बीच में ही भोलेनाथ सोचते हैं कि इन लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो एकदम जटाजूट धारण करके बीच में ही उन्हें रोक लेते हैं। अब बोलते हैं कि तुम आगे नहीं जा सकते हो, कहाँ जा रहे हो? तो देवराज इंद्र क्रोधित हो जाते हैं कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, हम भोलेनाथ से मिलने जा रहे हैं, हट जाओ हमारे रास्ते से। तो बोलते हैं मैं नहीं हटूंगा। तो उसके बाद कुछ दोनों के बीच वार्तालाप होती है और देवराज इंद्र क्या करते हैं कि अपना जो वज्र है उन पर प्रहार कर देते हैं उससे। तो उसके बाद वो जो सन्यासी रहते हैं, यानी भोलेनाथ स्वयं जो सन्यासी के रूप धारण करके वहाँ पे खड़े रहते हैं, वो भी क्रोधित हो जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो क्या करते हैं भोलेनाथ, अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो गुरु बृहस्पति जब देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे इससे तो देवराज इंद्र भस्म हो जाएंगे। तो उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ कृपया क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गया, हम लोग आपके दर्शन के लिए आ रहे थे और हम आपको नहीं पहचान पाए। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर भोलेनाथ की स्तुति करते हैं देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति भगवान। तो उसके बाद क्या होता है कि भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है मैं इन्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन अब मैं इसका क्या करूँ, जो नेत्र की ज्वाला है मैं क्या करूँ, उसका कहाँ पे उसको छोड़ूँ। तो और भी बहुत सारी वर्णन है उसमें, मैंने कहा आपको मैं शॉर्ट में ही ये बता देता हूँ घटना क्या हुआ था। तो उसके बाद उसको समुद्र में, वो कहते हैं कि ठीक है मैं समुद्र में छोड़ देता हूँ। तो जब उस ज्वाला को समुद्र में छोड़ा जाता है तो एक छोटा सा बालक वहाँ से मतलब जन्म लेता है, उपस्थित होता है उस ज्वाला से। वही थे जलंधर, यानी वो साक्षात रुद्र ही थे और उनमें बहुत शक्ति थी। तो उसके बाद क्या होता है कि
बहुत सारी वहाँ पे घटनाएं होती है, और जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है वो उनको लेके चले जाते हैं, और उसके बाद उनको बताते हैं कि असुरों के साथ कैसे अत्याचार किए देवताओं ने, बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद क्या होता है कि जलंधर को कहा जाता है कि तुम स्वर्ग के लिए बने हो, और फिर लड़ाई होने लगता है। तो फिर लड़ाई होता है वहाँ पे, तो जलंधर जो बहुत ताकतवर रहते और जिसमें भोलेनाथ का अंश हो, वो ताकतवर नहीं होंगे, वो कितना ताकतवर होंगे। तो उसके बाद जाके जलंधर क्या करते हैं, देवताओं से लड़ाई करते हैं और स्वर्ग से सबको निकाल देते हैं। तो उसमें वर्णन आता है कि सारे देवता पता है आपको कहाँ जाके छुप जाते हैं, केदारनाथ का फोटो देखते हैं, उसके पीछे कौन से पर्वत हैं, मेरु और सुमेरु। तो शिव पुराण में तो यही जिक्र है कि मेरु और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में सारे देवता जाके छुप जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरु और सुमेरु पर्वत में भी गुफाएं हैं, ऑब्वियसली होंगे तो बहुत बड़े ही होंगे, बहुत रहस्यमय होंगे। तो अगर आप लोगों ने भी इसके बारे में कहीं सुना है, मेरु सुमेरु पर्वत, क्योंकि बहुत सारे पर्वतारोही हैं जो जाते हैं हिमालय के, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जाके वो एक्सप्लोर करते हैं, तो अगर आपको पता है मेरु और सुमेरु पर्वत की गुफाओं के बारे में तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप केदारनाथ जाएँ तो आप कोशिश ना करें कि वहाँ पे आसपास जो गुफाएं हैं उसमें जाके हम देखते हैं कि क्या है, क्योंकि वहाँ भी आसपास कुछ गुफाएं हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई तपस्वी तपस्या कर रहे हों। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से है, न कि आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना है। क्योंकि जब ये बातें सुनेंगे ना, मैंने कमेंट में भी सुना है और कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, कुछ लोग सोचते हैं कि हम करके देखते हैं, तो आपको करना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए। और ये सब चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से किया जाता है, और मैं तो आपको सख्त मना ही करूँगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग, अब जो लोग ये जान चुके हैं कि मेरु सुमेरु पर्वत में गुफाएं भी हैं, तो जब केदारनाथ वो जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि अरे पीछे ही है ना, चलो जाके देखते हैं। लेकिन वो पीछे नहीं है, फ़ोटो में वो बहुत नज़दीक दिखाई देता है लेकिन वो बहुत दूर है। और जब केदारनाथ में जो टेम्परेचर है -1-2 रहता है ना, तो आप समझ लो मेरु सुमेरु पर्वत का जब जो टेम्परेचर है वो 15-20 डिग्री और नीचे रहता है, तो कितना ठंडा होगा। तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि हिमालय में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत दिव्य गुफाएं भी हैं और उसमें सिद्धों का निवास है। कभी भी आप गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं, तो अगर आपको ऐसी छोटी गुफा भी मिलती है तो आपको उसके अंदर नहीं जाना है, ध्यान रखना है। और अगर कोई ध्यान में है तो उसको परेशान नहीं करना है। और भी जानकारी आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, जाइए और पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से पुराणों को प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक और बात, अगर आप काठिया बाबा के बारे में पूरी उनकी जीवनी सुनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का भी लिंक दिया है, तो आप वहाँ से जाके उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं। इस ब्लॉग को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि अभी तक मैंने यूट्यूब पर करीबन 400 वीडियोज़ डाल रखी हैं, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर आपको अगर जानना हो तो आप वीडियो में सर्च नहीं कर सकते हैं। तो मैं ब्लॉग में क्या करूँगा, मैंने जितनी भी संतों की जीवनी बनाई है धीरे धीरे मैं उनकी जीवनी भी वहाँ अपलोड कर दूँगा पॉइंट वाइज। अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो आप ब्लॉग में जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं। और बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो मैं वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में मैं आपको नहीं दे पाता हूँ संतों से संबंधित, तो मैं वहाँ पर ब्लॉग में उपलब्ध कराऊँगा। कुछ समाधिस्थ संत भी हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका एड्रेस भी दूंगा, गूगल अर्थ का जो लोकेशन है, जैसे उनकी समाधि कहाँ पे है, तो वो भी मैं दूंगा। कुछ अगर प्राचीन फ़ोटो मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमारे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं।